तो वृंदा में एक मंदिर ऐसा है जहां आदमियों की एंट्री है, लुगाइयों की नहीं। लुगाई उस अंदर नहीं जा सकती उस भवन में। तो साहब जब अंदर जाने लगी तो उसे वहां के पुजारी ने रोक लिया, नहीं आपका निषेध है, आप अंदर नहीं जा सकती। तो उसने कहा कौन जाता है फिर, कि यहाँ औरतें नहीं जाती आदमी जाते हैं। तो मीरा जी ने बड़े सहज से कहा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने महाराज ज्ञानदास जी की वाणी भी सुनी होगी, सतवंती कौन है? जो गुरु का पक्का सेवक है, पतिव्रता वही है। तो मीरा जी ने कहा सतगुरु जगत में एक है, हम हैं लाख करोड़, हम सब औरतें स्वरूप हैं। अंतर क्या है? हमारी इंद्रियों का, हमारी बॉडी की बनावट का, नहीं तो हम सब, हमारे अंदर आत्मा है, हम सब स्त्री स्वरूप हैं। तो इसलिए इतनी बात सुनते ही हाथ जोड़ लिए वहां के पुजारी ने, कहा कि आ जाइए आप। अंदर बैठी और बैठने के बाद में वहां के पुजारी ने कहा लिए तुम बालो वाणी गाइए। तो गुरु महाराज की जब उन्होंने वाणी गाई, क्योंकि गुरु महाराज के इतिहास से वह वाकिफ हो चुकी थी, मीरा ने जब वाणी गाई तो वहां के पुजारी ने कहा वाणी तो बड़ी अच्छी गाई है, लेकिन सार नहीं था, राग नहीं था। तो बताओ क्या कहा मीरा जी ने, राग की साज की जरूरत नहीं है, कहीं कि इस मालिक को रझाने के लिए बैराग की जरूरत है। तो इसलिए बैराग जिसके अंदर झलकता है, ये सदगुरु महाराज उसे दर्शन दे देता है। तो मीरा जी शिष्य बन गई, चित्तौड़ में मंदिर बना, उद्घाटन के लिए विदास जी महाराज को इनवाइट कर दिया गया। वहां के जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने कहा ले चमार को बुलाया जी, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, इस मंदिर से चले जाएंगे, उसके अकाल के पर बरसेगा, उसके जिम्मेदार तुम होगी। तो मेरा ने कहा कुछ भी हो, षड्यंत्र रचे गया, मंदिर में तो मूर्ति हटा दी गई और मंदिर उसी स्थिति में बंद कर दिया गया। जब दरवाजा खुला हरिमन कटा तो वहां मूर्ति तो है ही नहीं थी। तो मीरा ने बड़े विभोर होकर कहा प्रभु ये क्या? तो रविदास जी चाहता तो जब गंगा को उल्टी बहा सकता है, महाराज ज्ञानदास जी साक्षी इस चीज के, जब वाणी गई मन चंगा कटोती में गंगा, उन्होंने दोहा कहा है और रविदास जी ने भी बड़ी जोर देकर कहा, जब गंगा प्रकट उसमें हो सकती है एक कुंडी में, तो मंदिर में मूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन महाराज रविदास ने कहा चमत्कार भरोसे मत रहिए, क्रम प्रधान होता है, क्रम से योगी होता है, क्रम से भोगी होता है और क्रम से छत्रपति बन जाता है। आज हमारे संत महात्मा जिस सुख के लिए जेल में पड़े हैं वो घर में ही है, बीवी बच्चे तो उनके हैं ही, लेकिन उसी सुख के कारण वे जेल में हैं। जो महाराज जी ने कहा कि मिश्री बनावे, मिश्री बोल ले पर मुंह ना मीठा हो। तो तत्व ज्ञान मनोवासना उनाश किसने कहा? रविदास जी महाराज ने। तत्व ज्ञान मनोवासना उनाश इंद्रियों को जीते सो ब्रह्म ज्ञानी, और ब्रह्म ज्ञानी को भी ज्ञान गुरु देता है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है, सुन के सुना के देख के दिखा के, लेकिन जो ज्ञान गुरु देता है वो ही कल्याणकारी होता है। तो मीरा जी महाराज रविदास जी की तरफ देखती हुई बोली महाराज क्या हुआ? तो कहा कर तुम्हारे गाने में अगर राग है, राग में बैराग है और बैराग में ही महाराज है। तो मीरा जी के पर सुनाते हुए बताया, और जब वाणी गाई तो मूर्ति स्थापित हो गई। तो कौन सी वाणी गाई? इस वाणी को आप जोर से सुनना और गौर से सुनना। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की। भाई मुझे ये तो पता नहीं जनाब हमारा जो सत्संग है आज का किस उपलक्ष्य में हो रहा, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली हैं हम जो हरिद्वार से हमें यहाँ शामिल होने का सौभाग्य मिला और इन संत महात्माओं के दर्शन मिले। हम कोई पद प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं हैं, हम तो महाराज के संत सिपाही हैं, लड़ेंगे अंतिम छोर तक लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कैसी छाप छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि हमने कबीर दास जी को भी पढ़ा है। कबीर दास जी जब काशी में रहते तो काशी की एक परंपरा है थी कि जो काशी में शरीर छोड़ता है वो सुरक जाता है, लेकिन उसी के पास नज़दीक मगर जगह है,
वहां जाकर जो मरता है वो नरक में जाता है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा था, हम मगर मरेंगे लेकिन मगर नरक में नहीं जाओगे, स्वर्ग में जाकर दिखाएंगे। वो उन्होंने किया, 2 महीने पहले शरीर छोड़ने से पहले, 2 महीने पहले मगर चले गए, शरीर छोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े, हम दबाएंगे हम फूकेंगे, हम दबाएंगे हम फूकेंगे। तो जनाजे के ऊपर कबीर दास जी के पार्थिव शरीर पर कपड़ा बिछा हुआ था, बोलिया चलो वो तो बाद में देखेंगे पहले ठा लो। तो तकड़ी सी पार्टी अंदर घुसी और जाकर चादर जो हटाई, देखते क्या है, फूल हो रहे हैं। देखो महाराज जो है संत पुरुष अपनी देह को भी डिवाइडेशन कर देते हैं, वे लड़ाई नहीं करते खत्म करते हैं। बस जो निर्णय दाता था उन्होंने कहा भाई तुम अपने दबा लो और हम अपने फूक लगे, तो लड़ाई खत्म। तो इसलिए ऐसे संत होते हैं। तो नानक कबीर रविदासा तीनों का एक ही दासा, एक ही देश महाराज संतों का है, इनका कोई अलग नहीं है। हम इन अलग अलग करके अगर तोड़ फोड़ कर देखें तो राज के सिवा कुछ नहीं है। तो मीरा जी की धीर बंधाते हुए महाराज समंत रविदास जी ने क्या कहा, सतगुरु जल में कमल है सदा सिंध भरपूर, अमरी भी खबरिया ले लियो क्या नेड़े क्या दूर, आओ अपने इष्ट की मन में धरियो आस, और देव ना पूजिए नमो गुरु रविदास। बोलिए धन सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की। दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, विलंब ना कीजिए दर्शन दीजिए, हरि गुण दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, विलंब ना कीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, विलंब दर्शन दीजिए दर्शन
सबके बिछड़े मिलन है समंदास महाराज की।